मार्ग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बचपन की एक इवेंट याद आती है। मेरे बाँह में पाँव में अभी भी निशान है। मुझे एक बंसी हो गई, उसमें मवाद भर गई, अभी भी निशान है। मैं चल नहीं पा रहा था। मुझे बच्चों को दर्द भी ज़्यादा होता है, कोमल कोशिकाएं होती है। मेरी माँ मुझे गोद में उठा कर लेकर गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, उसने कुछ लिखा, दवा दी। जब नर्स के पास गए बैंडेज करने, उसने कैंची उठाई, काटने लगी। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, बचपन से ही बड़ा अकलमंद था, काफ़ी गंभीर था। मैं कहा ये काम नहीं करो, ये बड़ा खतरनाक काम है, इन्हें ऐसा नहीं करो, काटना नहीं, मुझे पहले ही बड़ा दर्द है, टच नहीं करना। बोला देखो भाई, इसको काट कर मवाद निकालेंगे, इस पर फिर पाउडर मलहम लगाएंगे, तुम्हारा जख्म ठीक होगा। मैंने कहा सुनो सुनो मैडम बहन सिस्टर, मलहम बांध दे इसके ऊपर, रख पट्टी बांध दे। वो कह रही थी फिर मलहम का असर नहीं होगा, देखो बेटे इसको काटने दो, मवाद तो निकालने दो। मैं कहा नहीं मलहम हुआ। उसने मेरी माँ को इशारा किया, पट। मेरी माँ ने मुझे दबाया एक तरफ, उसने कैंची उठाई, धड़ाधड़ काट करके पूरा मवाद निकाल कर पट्टी लगा कर बांध दिया। संभव मैं उसको कम ज़्यादा भी बोला, कुछ इधर उधर भी बोला होगा, उसने ध्यान नहीं दिया। इस तरह दुनिया चाहती है हमारे अंदर की गंदगी रहने दे, अपनी दवा लगा। मैं कह रहा हूँ पहले गंदगी निकालने दो मुझे। दुनिया कह रही नहीं, इसी पर मलहम लगा दो, तब गुरुजी हम मानेंगे। हम कह रहे हैं थोड़ा रुको तो सही। इस पर साहब ने कहा, शीश उतारे भुई धरे, तिस पर राखे पाँव, कहे कबीर धर्मदास से, ऐसा हो तो आओ। दुनिया विषय विकारों को छोड़ना नहीं चाहती है, पर चिंता न करो, हम आपको कह रहे हैं यहाँ आओ, हम सुधार देंगे। हम थोड़ी आपको कह रहे हैं सुधर के आओ, हम कह रहे हैं यहाँ आओ, हम सुधार देंगे। ये क्या घमंड से बोल रहे? नहीं नहीं, ये मेरा घमंड नहीं है। कैसे फिर ये जीव कैसे पार हो? बहुबंधन ते बांध दिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ा भी पियो। खतरनाक ताकतों ने जकड़ा हुआ है। ये बड़े बड़े तपस्वी शिवजी महाराज जो त्रिपुरारी कहलाता है, उसको भी कामदेव ने दे मारी पटकी, ब्रह्मा जी आदि। ये काम प्रबल अति भयंकर, महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर, सबे कीन बिहाल, सबको नचा रहा है। तो ये कलयुग का आदमी कितनी बड़ी तपस्या कर लेगा? भक्ति का एक दूषित रूप नजर आ रहा है। अब साहब कह रहे हैं सदगुरु पार कर देगा। गुरु सिगलीगर कीजिए मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। इसका मतलब है ये काम पूरा गुरु कर देगा, रोग पर सही दवा पहुंचा देगा। कैसे पार कर देगा? नाम देकर। कैसा नाम? ये 52 अक्षरों में नाम नहीं है, ये नाम एक शब्द है, नामदान एक प्रक्रिया है। जिस दिन गुरु नाम देता है तीन चीज करेगा। पहला, मन और आत्मा को अलग कर देता है। सही ट्रीटमेंट हुई, ये काम कठिन था। अगर आप मन का अनुकरण कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? समझ में नहीं आ रहा था ना कि मन है या आत्मा, इसलिए तो अनुकरण कर रहे थे। जब आपको पता चले ये मन ऐसा ऐसा बोल रहा है, फिर करोगे क्या? अभी आप के मन ने कहा उठ इसको तमाशा मार, आपने तमाशा मारा। क्यों मारा? आपको लगा ये मैं ही चाह रहा हूं। जब आपको लगे कोई बोल रहा है तमाशा मार, फिर मारोगे क्या? आपको लगे हाँ कोई बोल रहा है, यानी मन को सिर्फ जान जाओ, बस मन चीने कोई बिरला भेदी, मन को जान जाओ फिर काम बन जाता है। और ये काम गुरु कर देता है। नाम के टाइम पहला काम करता है, मन और आत्मा को अलग कर देता है। यह कोटि जन्म का पंथ था, गुरुपल में दिया लखा है।
जब ये अलग हो जाते हैं तो अब मन समझ में आता है, नतीजा सामने आ जाता है, अब फिर आप मन के कहने पर नहीं चलते हैं। दूसरा, गुरु हृदय प्रकाशित कर देता है। अंधेरे में कुछ भी मूवमेंट हो तो पता नहीं चलता है, लेकिन रोशनी में अगर हो तो पता चलता है। उसके बाद पूरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितनी भी संरचना इस शरीर के अंदर विरोधी ताकतें काम कर रही है सब समझ में आ जाती है, हृदय प्रकाशित हुआ। तीसरा, वो पावर जो आपके अंदर था उसको गुरु प्रकट कर देता है, जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मत भेद ने घी का, ये तीन प्रक्रियाएं करता है, इसको कहते हैं नामदान। चलो रिजल्ट देखता हूँ मैं अपना, बड़ा यूनिक रहता हूँ। मास्टर बच्चों को पढ़ाता है तो एग्ज़ाम लेता है, बीच बीच में प्रोग्रेस देखता है। यही मेरा दावा है, यही मेरी चैलेंज है, मैं आदमी को बदल देता हूँ। ये काम बाकी कोई नहीं कर पा रहा। हमने एक चीज़ दे दी, सेटिस्फाई कर दिया, आप दुनिया में कैसे जी रहे हैं पता है क्या कर दिया, आपका अट्रैक्शन रोमांच खत्म हो गया दुनिया का। चाहे दौड़ दौड़ कर दुनिया की चीजों में आनंद के लिए जाओगे पर उनमें मजा नहीं मिलेगा, सब कुछ निरस लगेगा। साहेब वाणी में कह रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति साकरी तामे द्वेन समय। उसको भी बताता हूं, ये एक रेलगाड़ी का जो पटरी है ट्रैक, रेलवे ट्रैक, हार्डली उसकी विड्थ नॉट एक्सीड 3 or 4 inches, हार्डली 4 inches, बिलो 6 inches, चार उंगल से चौड़ी तो नहीं है। व्हील इज रन ऑन दैट ट्रैक एट द स्पीड ऑफ 150 kilometers, दैट्स वेरी फास्ट स्पीड इंडीड। उस पर दौड़ रही है, व्हील नीचे नहीं आ रहा, उसका ट्रैक को ट्रैक के साथ ट्रैक पर चलना पड़ेगा। भाई इतनी भयंकर स्पीड में, उसमें शॉकर्स लगे हैं डब्बों में गोल गोल, जो पीछे एक दूसरे को धक्का मारते चलते हैं, पटरी पहिया कहाँ का कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, हाँ शॉकर्स लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी हार्ड स्प्रिंग्स इतने ज़ोरदार लगे, शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग लगे हुए हैं, अगर वो नहीं लगे हो वो खट 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 गाड़ी चलती है, तो अगर वो नहीं लगे हो तो कमर टूट जाएगी यात्री की एक ही दिन में, और गर्दन झटका देकर पागल हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने बिल्कुल अच्छा वेल सेटिंग किया, पूरे शॉक जितने भी झटके हैं वो ऑब्जर्व करता है। अच्छा ठीक है, और झटके भी लग रहे हैं, स्पीड भी है, पटरी से पहिया कई बार नीचे जाना चाहिए, पता है क्यों नहीं जा रहा है, ट्रैक गाइड लगा हुआ है हर पहिए के साथ, एक छोटा सा कोना है और बहुत स्ट्रांग आयरन का वो व्हील बना हुआ है, वो उसको पटरी से नीचे नहीं जाने दे रहा है। अगर इधर जाना चाहता रोकता है, अगर इधर जाना चाहता दूसरा व्हील जो इनसाइड है उसका भी वो किनारा है, पर पहिए को पटरी पर चलना ही चलना है, चलना ही चलना है, चलना ही चलना है, चलना ही चलना। आपको भी यूँ कहना, सुधर जाना होगा, सुधरना ही होगा, सुधरना ही होगा, वो ताकत आपको ट्रैक पर चलाएगी। लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा क्यों होता है, इसकी एक कमी है भाई, कभी पटरी ढीली हो जाए तो, डिसबैलेंस हो जाए तो, टेढ़ी हो जाए तो। इसलिए ट्रैक के ऊपर इंजीनियर्स हैं, वो ये देखते रहते हैं गैप तो नहीं हुआ, पटरी टेढ़ी तो नहीं हुई है, इसका बैलेंस खराब तो नहीं हो रहा है। जैसे वो देखते हैं पटरी में थोड़ी सी भी टेढ़ापन आया, उनके पास पूरे सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो देखते हैं, कंपास वगैरह हैं, पूरा देखते हैं, थोड़ी भी पटरी में नुकसान आया फौरन वो पटरी को रिप्लेस कर देते हैं। थोड़े भी बोल्ट लूज हो गए, थोड़ा भी गैपिंग आ गया है, थोड़ा भी वक्रपन आया, उसके लोग हैं वो उसको अपनी अपनी जगह। हम भी आपको कह रहे हैं बिल्कुल अपनी अपनी ट्रैक सीधी रखना, आप आना, सुरती ज़रूरी है। मुझे एक हफ्ता पहले एक इंजीनियर का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा नाम की प्राप्ति के बाद जब सब चीज़ें आपकी कृपा से हो रही हैं तो हमारे करने के निमित्त क्या है। मैंने कहा टू थिंग्स, पहला सेवा, दूसरा दर्शन, ये दो चीज़। जब भी आप मिलते होंगे मुझसे आपको लगता होगा कि काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर चेतना और काफ़ी वेकअप हो गए होंगे आप, और आप मन पर कंट्रोल भी बढ़ जाता है। जितना गैपिंग ज़्यादा हो जाता है उतना आप फील करते होंगे मन का जोर बढ़ जाता है। इसलिए जो गुरु निकट निवास हो तो सेवा दर्शन नित, जो कहूँ अंतःवास हो तो ध्यान किए हुए हित, यानी ये रेजिस प्राप्त हो जाती है गुरु के दर्शन से। मेन चीज़ ये थी कि आपको मैं वेल कंसंट्रेट करके रखा हुआ था, ये स्पिरिचुअल रेजिस थी आपके पास। चाहे मैं उल्टी गिनती गिनता ये अलग चीज़ है,
ये एक स्पिरिचुअल थिंग्स मिल जाते हैं गुरु के दर्शन से। इसलिए गुरु ने नामदान के टाइम पर आपका काम ठीक कर दिया। पर आगे एक चीज़ कह रहे हैं, हमारी एक ही डिमांड है आपसे। साहब ने वाणी में इस तथ्य को बड़ा स्टॉप कहा, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो। यानी नाम सच्चा, गुरु सच, तुम भी सच हो जाना। तुम भी सच होने का मतलब यह है, ये नहीं कि दीपिका बहन जी के काकू को थोड़ा बुखार हो गया, कहे अब भैया तांत्रिक के पास चलते हैं, थोड़ा सा झाड़ा फंडी करा के आते हैं, तवीज़ ले आते हैं, ज्योतिषी महाराज से पूछते हैं क्या चीज़ हुई। नहीं नहीं, उलझाएंगे। ये टीम छात्र हैं, सेवड़ों की टीम छात्र है, आपको भक्ति के ट्रैक से नीचे उतारने की कोशिश करेगी, लूटने के लिए। फिश प्लेट अलग कर देते हैं जो भी लुटेरे होते हैं, ट्रेन को पटरी से नीचे उतारने के लिए बोल्ट खोल करके फिश प्लेट को अलग कर देते हैं, यात्रियों को लूटते हैं, ट्रेन को नीचे गिरा देते हैं। इस तरह आपको भक्ति के ट्रैक से नीचे उतारने के लिए सेवड़ा टीम है। कहीं तंत्र विद्या चल तो रहा है, आदमी अगर बच्चा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुआ तो माई आकर कहती है, गुरु जी बेटे को पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया। क्या कर दिया? स्तंभन कर दिया। इसका मतलब है पागल कर दिया। समाज में ये फैले हुए हैं। हमने आपको कहा इनकी तरफ नहीं जाना, एक नाम को जानकर दूजा दे बाहर। क्योंकि अगर इस तरफ आप जाएंगे तो आपकी आस्था कमजोर हो जाएगी। हमारी देयर इज ओनली वन डिमांड फ्रॉम आवर साइड, विश्वास रखना, आस्था, भरोसा रखना। गुरु मगध धड़ पकड़ राखी है डिगमिगमिसार। साहब एक वाणी में कह रहे, सत्रह खंड के ऊपरे असंख्य के पार, चार मुक्ति से भिन्न है अमर लोक विस्तार, चारों मुक्तियों से परे हैं मेरा देश। इसलिए हम उस देश की बात कर रहे हैं, वे चार मुक्तियों की बात कर रहा है, सालों के सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। इसलिए हम एक डिफरेंट चीज़ बोल रहे हैं, तो आपका इस दुनिया में विरोध भी हो सकता है। चार मुक्ति के पार पहुँचे सतगुरु धाम हैं, हंसुरत आधार पहुँचे जय सुख सिंध हैं, गो गोचर गोतीत शब्द रूप सब में बसे, गुणातीत गोतीत सतगुरु पद पंकज रुचर। कह रहे हैं चार मुक्तियों के परे सतगुरु धाम है, सच्चा वो अमर धाम है। हंसुरत आधार कैसे जाएगा? सुरति से। इसलिए सुरत का खेल सारा है, सुरत गुरु के चरण में रखना। हम शब्द सुरत अभ्यास नहीं बोल रहे हैं, केवल सुरत योग कह रहे हैं। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सालहर बते बह कहते ना। गो गोचर, गो कहते हैं इंद्रियों को, गोचर कहते हैं जो इंद्रियों से दिख रहा हो। परमात्मा को अगोचर कहते हैं, आ यानी नहीं, नकारात्मक है। गो यानी इंद्रिया, जो इंद्रियों से नहीं दिखे, कर्म यानी इंद्रियों से। और साहब कह रहे गोतीत, अक्षरातीत यानी जो अक्षरों में नहीं आए। गोतीत का मतलब है इंद्रियों से परे, 14 इंद्रियों से जो नहीं जाना जा सकता है। शब्द स्वरूप सब में बसे, वो सब में निवास कर रहा है। गुणातीत गोतीत सदगुरु पद पंकज रुचर, उसकी प्राप्ति केवल गुरु के ध्यान से होगी, सदगुरु के ध्यान से होगी। गुरु नहीं बोल रहे, सदगुरु बोल रहे। इसलिए बंधु आज के प्रवचन का सार है, ये मनुष्य इस संसार सागर से नाम की ताकत से पार हो सकता है, ये सच्चा नाम गुरु से प्राप्त होगा, बाकी सब काम होता चलेगा। अंदर का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाता है, आपके जीवन में जो बदलाव हुआ ये नाम की ताकत है। इसलिए भव सागर का पार नाम बिना पावे नहीं। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो।
के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है, मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है, तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।